नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैंने बोला था आपको, तेरे सारे दुख मेरे, मेरे सारे सुख तेरे। तो वो सुख आपको आज मिल गया है। सो पेपर वाज मैनेजेबल, ठीक है, इजी कोई नहीं बोल रहा है। पेपर मैनेजेबल था, लेंदी था, और जिसको इजी लग रहा है उसने शायद उतना एफर्ट्स लिया होगा इसलिए आपको इजी लग रहा है, बट इजी था नहीं इतना। जब लेंदी पेपर, इतने सारे सम्स पढ़ने होते हैं तो ऑब्वियसली टेक्स टाइम, फिर बाद में उसको लिखना, इट वॉज लेंदी। एंड मैं भी अभी आज पेपर लिखूंगा, आज नहीं, आज तो नहीं, बट कुछ दिन में मैं भी पेपर लिखूंगा, फिर प्रॉपर रिव्यू दे पाऊंगा। सो आज मैं क्वेश्चन वाइज वाला रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, वो अपन लोग एग्जाम के बाद या तुम्हारे रिजल्ट के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे। बट ऑल इन ऑल आई एम हैप्पी दैट द मैराथन लेक्चर्स हेल्प। मैंने तुम लोग को बोला था कि कान में तुम लोग के आवाज गूंजेगा, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिखवा रहा हूँ वो काम आएगा। एंड आई एम हैप्पी दैट इट ऑल वर्क। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग इन सो मच एफर्ट्स। एंड अब बाकी तीन के लिए एकदम जी जान से पढ़ लो यार, एंड लेट्स गेट इट डन एंड डस्ट इट, ठीक है ना। मतलब आई एम प्रेइंग वेरी 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 सीरियसली फॉर यू कि बस आप लोग का हो जाए ये वाला अटेम्प्ट में सब चीज क्लियर, ठीक है ना। सो आई एम रियली हैप्पी विद द एफर्ट्स, जो मैसेजेस आ रहे हैं तुम लोग ने, अगर कहाँ पे भी, से फॉर एग्जाम्पल मैराथन में लेक्चर्स अटेंड किया है तो श्योरली कमेंट। तुम लोग ने अगर मेरा इंडिया टूर अटेंड किया है, कमेंट। इफ यू आर माई स्टूडेंट थ्रू माई बैचेस ऑफ पेन ड्राइव और थ्रू रिविजन लेक्चर्स, डू शेयर योर कमेंट। एंड अच्छा लगा हो, पेपर अच्छा गया है तो एक लाइक डेफिनेटली उस पॉजिटिविटी के लिए बनता है। आस्ता ला विस्ता गाइस, प्लीज कंप्लेसेंट मत होना। आईसीएआई है, कहां पे चीज को बदल देगा कुछ बोल नहीं सकते। सो इसके लिए वी हैव टू कीप गोइंग ऑन नेक्स्ट 6 to 7 days, सेम फोकस के साथ, सेम एनर्जी, सेम पॉजिटिविटी के साथ लिखना। एंड आई एम श्योर जो आपका ड्रीम है वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। अस्ता ला विस्ता, थैंक यू सो मच, टेक केयर।